फ्रेंड सिंगल स्पीड कूलर की वायरिंग थ्री रोटरी स्विच के साथ कैसे करते हैं, चलिए उसको समझ लेते हैं। फ्रेंड्स ये जो हमारा तीन रोटरी स्विच है, इसमें से एक रोटरी स्विच स्विंग मोटर के लिए है, दूसरा रोटरी स्विच फैन मोटर के लिए है और तीसरा हमारा वाटर पंप के लिए है। इस रोटरी स्विच पे यहाँ एल लिखा है, एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर लिखा हुआ है। तो फ्रेंड जो आपके कूलर के पावर सप्लाई का एक वायर रहेगा, इसको आपको क्या करना है, एल वाले पॉइंट में जोड़ना है और यहीं से आपके तीनों रोटरी स्विच को लूप कर देना है। वहीं फ्रेंड जो आपका स्विंग मोटर का एक वायर रहेगा, इसको आपको एक नंबर में कनेक्शन करना है और यहीं से तीन नंबर को लूप कर देना है। और फैन मोटर का जो एक वायर रहेगा, इसको भी एक नंबर में जोड़ना है और तीन नंबर में लूप करना है। वहीं फ्रेंड जो हमारा वाटर पंप का एक वायर है, इसको हमने एक नंबर पॉइंट में कनेक्शन किया और यहीं से तीन नंबर को लूप कर दिया है। फ्रेंड जो हमारा तीनों मोटर का एक एक वायर है और जो हमारा सप्लाई का दूसरा वायर है, इन चारों वायर को आपस में जोड़ के हमने यहाँ पे टेप लगा दिया है। फ्रेंड सिंगल स्पीड कूलर के इस वायरिंग का फुल वीडियो आपको हमारे चैनल पे देखने को मिल जाएगा, आप जाके वहां पे देख सकते हैं। फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।